नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर, पहला पेश ने चुनवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज टोक्यो पैरालंपिक विच मैडल जेतू भारतीय खिडारियों नाल नवी दिल्ली विच मुलाकात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत ने विज्ञानियों ते डॉक्टरी पेशे नाल जुड़े लोगों की मदद नाल करोना महामारी नाल निजिठण लई विकसित देशों के मुकाबले बेहतर कामयाबी हासिल की। भुपेंद्र पटेल गुजरात के नवे मुख्यमंत्री होणगे, सहुं चुक समागम भलके होवेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारागढ़ी जंग के 21 शहीदों नूं श्रद्धांजलि भेंट की। सारागढ़ी जंग के शहीदों की याद में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा सारागढ़ी साहब विखे समागम करवाया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शक्की अतवादियों वालों खनियार विखे एक पुलिस पार्टी से हमला, पुलिस का एक कॉन्स्टेबल शहीद। ते उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में पैंदे हमाम मरकूट इलाके विच बदल फटन कारण एको ही परिवार के तीन नाबालिग बच्चों समेत चार जियां की मौत, एक बुजुर्ग लापता। पंजाब में जलंधर समेत कई हिस्सों में हल्की तो दरमियानी वर्खा दर्ज, कुछ थाई भारी वर्खा कारण आम जनजीवन प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो पैरालंपिक विच मैडल जेतू भारतीय खिडारियों नाल नवी दिल्ली विच मुलाकात की। उन्होंने खिडारियों नूं शानदार जित लई वधाई दित्ती अते उन्हां दी हौसला अफजाई की। नरेंद्र मोदी ने खिडारियों नाल गलबात करदिआं कहा कि उन्हां नूं उन्हां तों प्रेरणा मिलदी है। मुलाकात मगरों अपनी ट्वीट विच प्रधानमंत्री ने लिखा कि अज मैडल जितने वाले सारे खिडारियों की लोगों में चंगी पछाण है जो उन्हां दी मेहनत सदका है। उन्हां खिडारियों नूं कहा कि उह सारे ही लोगों नूं प्रेरित कर सकते ने अते वड्डियां तब्दीलियां लिआ सकते ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वास्ते वो हमेशा उन्होंने नाल ने। पहले क्या था, कल क्या था, वो सब छोड़ दीजिए। आने वाली कल आपके लिए बहुत उज्जवल है और इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं हर पल आपके साथ हूं। आपके सपने, यही हमारे सपने हैं। वो सपने साकार करने के लिए मैं जहां हूं, जो भी जिम्मेवारी है, मैं कुछ न कुछ करता रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी तरफ से फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत ने विज्ञानियों ते डॉक्टरी पेशे नाल जुड़े लोगों की मदद नाल करोना महामारी नाल निजिठण लई विकसित देशों के मुकाबले बेहतर कामयाबी हासिल की। चेन्नई विच हिंदुस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्लैटिनम जुबली समागम नूं संबोधन करदिआं उपराष्ट्रपति ने कहा कि देशवासियों की सेवा विच महत्वपूर्ण योगदान लई डॉक्टरी भाईचारे अते स्वदेशी सिक्का विकसित करन लई सानू विज्ञानियों ते माण है। उन्हां सारे देशवासियों नूं जल्द तो जल्द करोना टीके लगाउण की अपील की। श्री नायडू ने कहा कि खेती अते निर्माण खेत्र विच सुधार नाल भारत दा अर्थचारा फिर पटड़ी ते आ रहा है। उन्हां कॉमर्स चैंबर नूं उद्यमिता विकास प्रोग्राम राहीं नौजवानां विच हुनर विकास की सहूलत प्रदान करन लई कहा। भुपेंद्र पटेल गुजरात के नवे मुख्यमंत्री होणगे। बीते दिन विजय रूपानी वालों मुख्यमंत्री के अहुदे तो अस्तीफा देण मगरों सूबे के नवे मुख्यमंत्री की चोण की कार्रवाई शुरू हुई। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अज सवेरे गांधी नगर विच गुजरात के भाजपा प्रधान सी आर पाटिल नाल मुलाकात की। इस तो बाद भाजपा कोर कमेटी और केंद्रीय ऑबजरवर की मीटिंग भी लंबी चली। भाजपा की गुजरात विधानकार पार्टी की मीटिंग विच भुपेंद्र पटेल नूं विधानकार पार्टी का नेता चुन लिया गया है। इस मीटिंग विच नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी और पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग भी मौजूद सन। भुपेंद्र पटेल काटलोडिया हल्के तो विधायक ने। भारतीय जनता पार्टी के एक वफद ने आज शामी गुजरात के राज्यपाल आचार्य देववर्त नाल मुलाकात की। उन्होंने भुपेंद्र पटेल के गुजरात विधानकार पार्टी का नेता चुने जाने संबंधी पत्र पेश किया। भुपेंद्र पटेल भलके मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुड़ तो आम आदमी पार्टी का कौमी कन्वीनर चुनिया गया है। आज पार्टी के कौमी कार्यकारिणी की मीटिंग दौरान यह फैसला लिया गया। केजरीवाल लगातार तीजी बार आपके कन्वीनर चुने गए हैं। इस तरह पंकज गुप्ता को भी आपके कौमी सकत्र वजों मुड़ चुन लिया गया है। पंकज गुप्ता भी तीजी बार इस अहुदे लई चुने गए हैं। सूत्रों अनुसार आम आदमी पार्टी के संविधान में हाल ही की सोध मगरों लीडर के एको ही अहुदे से लगातार तीजी बार चुने जाने का राह पदरा होया। इस साल जनवरी महीने पार्टी के संविधान सोध की गई सी। सोध अनुसार पार्टी के अहुदेदारां की म्याद भी 3 साल तो वधा के 5 साल की गई सी। कोरोना महामारी से काबू पाने लई देशव्यापी टीकाकरण मुहिम विच अज एक नवा मील पत्थर स्थापित करते हुए भारत विच हुण तक 74 करोड़ तो वध टीके दीआं खुराकां दित्तीआं जा चुकीआं ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने इस नूं एक शानदार उपलब्धि दस्सिआ है। इस दौरान कोविड महामारी के नवें मामलों विच अज थोड़ी कमी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटिया दौरान देश विच 28,591 नवें कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि एक दिन पहला दर्ज किए गए कुल मामलों नालों तकरीबन 5,000 घट ने। इन्हां नवें मामलों नाल देश विच कोरोना के पुष्टि वाले कुल मामलों की गिणती 3,32,36,921 हो गई है। इन्हां विचों 3,24,09,345 मरीज पूरी तरह सेहतयाब हो चुके हैं। बीते दिन 34,848 मरीज ठीक हुए हैं। देश विच कोरोना तो ठीक होने वाले दे दर 97.51% हो गई है। मंत्रालय मुताबिक देश विच इस वेले कुल 3,84,921 एक्टिव मामले ने, जो पुष्टि वाले कुल मामलों का 1.16% बनता है। बीते 24 घंटिया दौरान 338 कोरोना मरीजों की मौत होने नाल देश विच इस महामारी कारण मरण वाले व्यक्तियों की गिणती 4,42,655 हो गई है। सारागढ़ी जंग के शहीदों के 125वें शहीदी दिवस मौके फिरोजपुर में राज पदरी समागम करवाया गया। 124 साल पहला सारागढ़ी के मैदान में भारतीय फौज की सिख बटालियन के कुछ योद्धियों ने बहादुरी और हौसले नाल जंग लड़ते हुए तकरीबन 10,000 तो वध पठाना की फौज नाल लोहा लिया सी ते 21 फौजियों ने शहीदियां प्राप्त कीतियां सन। सारागढ़ी गुरुद्वारा साहब विच इन्हां शहीदों की याद में 3 दिन पहला रखे गए अखंड पाठ साहब का भोग पाया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उचेचे तौर पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस राही शहीदों नमन करते हुए हाजिर लोगों के परिवारों से सके संबंधियों शहीदों द्वारा दी गई अदुती कुरबानी बारे दसिया। भारतीय फौज की इस ब्रिगेड के कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद भी हिस्सा रहे ने। सारागढ़ी के पिछोकड़ बारे गल करदिया मुख्यमंत्री ने कहा कि पठान खेतरां विच गड़बड़ियां दूर करने जनरल लोखाट वालों तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय फौज दी 4 टुकड़ियां भेजिया गई। इन्हां विच 36वीं सिख बटालीयन, जो कि हुण 4थी सिख बटालीयन है, विच 21 सिख सिपाही ते 1 रसोईया शामिल सी ते इन्हां नूं सारागढ़ी की रक्षा करन दा जिम्मा सौंपिया गया सी। अमरिंदर सिंह ने दस्सिया कि पठाना दीआं आत्म समर्पण करन दीआं मंगां नूं हवलदार ईश्वर सिंह ने जोरदार ढंग नाल नकार दिता ते शहीदियां प्राप्त कीतियां। कैप्टन ने कहा कि बहुत ही माण वाली गल है कि अज यूके दे वुलवरहैम्पटन विच हवलदार ईश्वर सिंह दे बुत दा उद्घाटन किया जा रहा है। इस मौके उन्होंने शहीदों की याद विच एक शानदार स्मारक बनाए जाने की जानकारी दी, जिस लई 1 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। खेडां ते युवा मामले बारे मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि इन्हां सिख सैनिकों की शहादत नूं विश्व भर में मानता मिली है। इत्थों तक कि महाराणी विक्टोरिया ने भी इस नूं मानता दी। उन्हां सारागढ़ी बारे एक किताबचा भी जारी किया। धन्नवाद मता पेश करदिआं फिरोजपुर शहरी तो विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने मंग की कि जंगलात की 2.5 एकड़ जमीन ते लंगर हाल बनाया जाए, जिस लई मुख्यमंत्री ने मौके ते डिप्टी कमिश्नर नूं विस्तारित प्रस्ताव भेजने लई कहा। सारागढ़ी यादगार प्रबंधकी कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी जनरल अफसर कमांडिंग ब्रिगेडियर वी महंती ने कहा कि यूनैसको ने सारागढ़ी जंग नूं दुनिया दीआं 8 महान लड़ाइयां विच शामिल कीता है। इस मौके शहीद सैनिकों के वारसा ते वीर नारियों का सन्मान भी किया गया। समागम विच होरना तो इलावा डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार, महाराजा भुपिंदर सिंह, पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के उप कुलपति लैफ्टीनेंट जनरल GS टीमा, फौज के होर अधिकारी ते आम लोग मौजूद सन। सारागढ़ी जंग के शहीदों की याद में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इत्थे स्थित गुरुद्वारा सारागढ़ी साहब विखे समागम करवाया गया। इस मौके श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पाए गए ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब के हजूरी रागी भाई हरपिंदर सिंह के जथे ने संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाया। इस मौके संगत नाल गुरमत विचारां सांझियां करदिआं सचखंड श्री हरिमंदर साहब के वधीक मुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह लुधियाणा ने सारागढ़ी के शहीदों नूं सत्कार भेंट किया। उन्होंने 10,000 अफगान
ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ 21 ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਲੋਰਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ 56ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4 ਹੌਰਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਿਧਾਰਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਏ ਕਿ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਦਕਾ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਨਿਆਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਰਸ਼ਦ ਅਹਿਮਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਏ। ਅਰਸ਼ਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਐਮਾ ਰਾਡੂਕਾਨੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਸ US ਓਪਨ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੇਲਾ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ US ਓਪਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਬੀਤੇ 53 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਏ। 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਐਮਾ ਰਾਡੂਕਾਨੂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਆਰਥਰ ਐਸ਼ੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਲਾ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਨੂੰ 6-4, 6-3 ਨਾਲ 2 ਸਿੱਧੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਬੀਤੇ 44 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਸਿੰਗਲਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਜ਼ਾਬੈਥ ਨੇ ਰਾਡੂਕਾਨੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਜਾਰੀ ਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੁਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਮਾਮ ਮਰਕੂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 1 ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SDRF ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਏ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗਾ।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारागढ़ी जंग के 21 शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। सारागढ़ी जंग के शहीदों की याद में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा सारागढ़ी साहब विखे समागम करवाया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शक्की अतवादियों वालों खनियार विखे एक पुलिस पार्टी से हमला, पुलिस का एक कॉन्सटेबल शहीद। ते उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में पैंदे हमाम मरकूट इलाके में बदल फटन कारण एको ही परिवार के तीन नाबालिग बच्चों समेत चार जियां की मौत, एक बुजुर्ग लापता। पंजाब में जलंधर समेत कई हिस्सों में हल्की तो दरमियानी वर्खा दर्ज, कुछ थाई भारी वर्खा कारण आम जनजीवन प्रभावित। इस खबरों का बुलेटिन खत्म होता है, आ गया दो नमस्कार।